पौने नौ हो गए हैं तो रेडी हो गए हैं सारे। क्या ओ वाव नाइस, ये अच्छा लग रहा है उससे। वो भी अच्छा था, मतलब हाँ वो भी अच्छा था, पर उसके नीचे पहनने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस अभी हम रेडी हो चुके हैं और अभी जो है वो है मेहंदी का फंक्शन। मतलब ये वैसे हमारी मेहंदी की आउटफिट नहीं है, ये जो आपको दिख रही है थोड़ी लल्लू से कपड़ों में, ये अभी हम मेकअप भी कर रहे हो अपना, क्योंकि अभी ना हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, 9 बजने वाले हैं, पहुंचने में ही हमें काफ़ी देरी हो गई थी। तो फिलहाल हम बस मेहंदी लगवाएंगे, बट जो फोटोशूट होगा एक्चुअल, जो मतलब हम फंक्शन करेंगे, जो बैकड्रॉप होगा वो सब कल शूट होगा। मतलब वो हम दोबारा कल रेडी होंगे, मेकअप वगैरह दोबारा करेंगे। मतलब हल्दी की फोटोशूट कल होगी, अभी सिर्फ हल्दी लगेगी। यार मेहंदी, यार सही में मेहंदी कल लगेगी, मेहंदी आज लगेगी, पर उसका फोटोशूट कल होगा। तो फिलहाल हम रेडी हो गए हैं थोड़े बहुत नॉर्मल कपड़ों में, ज़्यादा मतलब वैसे तो मेरा सूट तो सुंदर है, मैं तो अच्छी लग रही हूँ, बट ये ऐसे बच्चे जैसे हैं ना, इन बच्चों ने थोड़े नॉर्मल कपड़े पहने। और बाकी जो हम एक्चुअल जो हमारी मेहंदी की आउटफिट थी वो कल हम पहनने वाले हैं, क्योंकि कल होगा। तो अभी देखते हैं सारे तैयार हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम क्या करने वाले हैं वो तो तैयार होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि इतने सारे लोग हैं ना, तो एक एक करके निकिता सबके पास जा जाके सबको तैयार कर रही है। मैं सबसे पहले रेडी हो गई, शुक्र है, वरना तो वो मेरी क्लास ले लेती। और अब ये हो गई तो मैडम ओए, अभी देख के आते हैं हम बाकी लोग क्या कर रहे हैं। मैं तो रेडी हूँ, ओके, और मामी भी रेडी है, वहाँ पे सब थोड़े बहुत लोग रेडी हैं। और जो हमारा एक और रूम है गर्ल्स गर्ल्स का, गर्ल्स ने दो रूम लिए हैं, वहाँ जाके देखते हैं उनकी क्या तैयारी चल रही है। और मैं आपको अपनी पूरी आउटफिट भी दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मिरर बहुत बड़ा है, ये यहाँ नहीं, दूसरे वाले मिरर में। गर्ल्स मैं आ सकती हूँ? ओके, ये अच्छी रेडी हुई है, आना मत भाई। तो ये पहना है मैंने सूट, तो ये मिरर भी वैसे पूरा नहीं है, मुझे लगा था ये भी फुल मिरर होगा, पर हाँ। तो ये सूट पहना है मैंने, ये हम वैसे ही एक एक ड्रेस ना निकिता ने बोला था एक्स्ट्रा लेके आना, बाय चांस जरूरत पड़ सकती है, तो ये एक्स्ट्रा था, तो अभी काम आ गया हमें। क्या करना है फिर, ठीक है हम भी रेडी हैं, बाकी का है निम्बू का है, तो अभी डिनर करना है हमें, फिर आपको पता लगेगा। तो पहले हम करेंगे डिनर, उसके बाद फिर मेहंदी वाली आ जाएगी, फिर हम मेहंदी लगवाएंगे और मेहंदी के साथ और भी मस्ती चलेगी, तो फिर चलते हैं डिनर करने। मैं हूँ ये रेडी है, हाँ मैं रेडी हूँ, निम्बू भी रेडी है, बिल्कुल अच्छी लग रही है काफी। तो अभी निक्की भी रेडी है, जतिन हो रही है रेडी, मैं भी रेडी हूँ, शीतल भी रेडी है, सब रेडी है। मैं भी रेडी नहीं, हाँ आप रेडी नहीं हो? मैं रेडी नहीं हूँ। तो अंकल जल्दी तैयार हो, खाने के लिए फोन आ गया है, तो फिर रेडी कैसे हो गए? मैं तो रेडी हूँ। हम सारे तो लड़कियाँ तो सारी रेडी है, मैं तो रेडी हूँ, कब से तैयार। तो ये है ब्राइड के फादर अंकल जी, रेडी चलो पैसे हमें पकड़ा दो, रेडी। मेरा रूम कौन सा था तुझे याद हो तो? ये था शायद मेरा रूम, हाँ यही है मेरा रूम। तो चप्पल तो ना तू यही पहनती हो, चप्पल नहीं यार मैं सोच रही चेंज करूँ। मैरिड? नहीं वो बोलना जो तो पहले बोली थी। नहीं मैरिड है, तो मैरिड लड़की है एक, इस वजह से चले क्या, हम कुछ भूल तो नहीं रहे ना। आंसू ऐसे रेडी हुए हो आप आंसू? यहाँ पे कभी नहीं, उनके रूम में चल। उप्स, अब हो गई बात, अब हुआ है ना, काफी देर बाद पड़ा है ना फर्क, इंस्टेंट तो नहीं था ना। हाँ चलो नीचे चल, ऐसे लग रहा है हमारी मेहंदी है, देखो जैसे हम रेडी हुए ना। पहनो, किसने रोका है? लाइनर किसी और के लग रहा है, मुंह किसी और का खुल रहा है, पर वो जी, 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 वो हाँ उसके लुक्स लेने से अच्छा है कि हम चले जाते हैं अभी ऊपर। और मेहंदी की डेकोरेशन इन्होंने ऊपर की, अंदर पहले बाहर थी पर अब अंदर की बारिश की वजह से, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो ही जा रही है। चलो चलो, वो कहाँ रहेगी भाई साहब, नहीं नीचे भी थी निक्की भी ना, हमेशा मैं तंग करती हूँ सही में, नीचे से ही ना लिफ्ट ले लेता है। अभी मत दिखाओ अपनी डांस परफॉर्मेंस, अभी नहीं देखना गाइस, अभी नहीं देखना। नो 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 नो,
जीरो पे जाना है। अरे उसको क्या करना है जरा। हमारी राइड हाँ शुरू होने वाली है। ओह ये झूले पे करते हैं। नहीं नहीं आवाज जा रही होगी बाहर। हाँ नहीं जा रही होगी पक्का। वरना तो डांट पड़ती क्या। ओके क्यों राइट। अच्छा फिर से लिफ्ट। अच्छा फिर मैं स्नूकर्स मैं बताती हूँ कैसे खेलते हैं। अच्छा इनको पता ही नहीं है जाना क्या है। ये हमारा वेट कर रहे थे। हाँ इन्हें पता नहीं था आशूर को कि कहाँ जाना है। वाह और डेकोरेशन तो बहुत प्यारी लग रही है। आ गई लिफ्ट ऊपर आ गई। जूती गीली हो गई यार सही में। वे टू रेस्टोरेंट वो है। लिफ्ट वहाँ भी है। वो लिफ्ट है वो भी लिफ्ट है। चौथे फ्लोर पे जाना है पता है तुम्हें। हम तो लिफ्ट से जाएंगे भाई। चलो लिफ्ट से जाते हैं। हाँ चलो नीचे है सेकंड। हमने भी वो कहते ही नीचे ही। हमने कहा कोई ना हम तो फिर भी सही किया। हम लिफ्ट से आ गए। ये रहा फिफ्थ पे हम हैं। हाँ जी हाँ जी महंगी वाली आ गई। महंगी हाँ साढ़े नौ नहीं हुई अभी। टाइम बताओ क्या हुआ है अभी। बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। पहले पहुँच गए थे ये। अच्छा क्या खाना है पहले भाई। गाइस तो ये हम पहले खाना खाएंगे उसके बाद ही देखेंगे कि क्या करना है। तो खाना खाने शुरू करते हैं। खाने की खीर में कह रही थी ना आ जाएगी। ओके इधर का मारी थाली जिसमें हमने ज़्यादा कुछ बढ़िया बढ़िया डाला नहीं अभी। उधर जाना उनके पास कहाँ है निकी। आपको नीचे जाना है। अभी अभी अपना पोपट करवाया है और अब मैं दोबारा से जाती हूँ। अगर ये ऊपर आ रही है तो हाँ कोई ना हो लिफ्ट में प्लीज़। तो अभी मैं स्वेटर वगैरह डाल के आई हूँ क्योंकि ठंड बहुत है यहाँ इस वजह से मैं रूम पे आई थी। तो हमने सबने खाना तो खा लिया था पर मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी तो इस वजह से मैंने अपने कपड़े भी थोड़े से चेंज कर लिए हैं। मैं उन्हें थोड़ा कम्फर्टेबल फील नहीं कर रही थी और मुझे अपना कैमरा भी लेना था और मुझे स्वेटर भी पहननी थी। मुझे बीमार नहीं होना ना। तो ये जो आपको वो दिख रही है ऊपर वो हनुमान जी की बहुत बड़ी स्टैचू है। और बारिश तो नहीं आ रही ना। ये ना सारा फ्लोर भी गीला था तो इस वजह से मैं तो चप्पल पहन के आई हूँ। अब ठंड है यहाँ पे गाइस सच में काफ़ी ठंड है। वैसे मुझे अकेले डर तो लग रहा था। एक फ्लोर ऊपर कह रही थी वो तो सीढ़ियों से ही चलते हैं। हाँ गानों की आवाज़ आ गई मुझे। उनकी मस्ती देखो। अरे कोई लेटो तो लग रही है। कोई नागिन तो बनो। ये से हमारा कोई नागिन ही नहीं बन रहा। सपेरे बने हुए सारे। तो गाइज अभी मेहंदी का डिज़ाइन फाइनल किया जा रहा है। घर पे बैठ के इन्होंने कुछ नहीं किया सब यहीं करना है। तो अभी मेहंदी लगनी स्टार्ट हो चुकी है और मुझे लग रहा है मेरी इस वीडियो पे पक्का पक्का कॉपीराइट क्लेम आने वाला है क्योंकि इतने गाने बज रहे हैं ना बैकग्राउंड में। सब डांस कर रहे हैं। मेहंदी तो एक ही को लग रही है बाकी तो सारे डांस कर रहे हैं। और गाइज सॉरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई क्योंकि जब मैं वापस आई थी तो काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो रखी थी और मेरा गला भी बैठा हुआ था। अभी तक भी वैसे ठीक नहीं हुआ है पर पहले से बेटर है। पहले तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी ढंग से तो इस वजह से वीडियो थोड़ी लेट हो गई। तो गाइज हमने बहुत मस्ती की थी मेहंदी वाले दिन। मतलब
बहुत ज़्यादा मस्ती की थी, बोलना तो नहीं चाहिए पर मतलब सभी बोल रहे थे ये बात, सिर्फ मैं अकेली नहीं बोल रही थी कि जब तक बराती नहीं आए थे हम लोग फुल एंजॉय कर रहे थे, और बरातियों के आने के बाद ना हम लोग ऐसे सीनसियर से बन के बैठ गए। सब चल गए सोने, हम मेहंदी के फोटो शूट के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ पर मैंने अपनी मेहंदी धो ली। संगीत नदियों पार भी है तुम्हारा गाना, वाह वाह जी वाह। बाय ब्राइट बाय। ओके मामा जी खींच तो ली लिफ्ट से, वो रूम में कर लेंगे यार पापा। हाँ क्योंकि जैसे मुझे लग रहा है मेहंदी पूरी होती है उन्होंने ना लाइट बंद कर दी है, मेरे पास की है। हाँ हाँ मामा जी चलो नमो। और लिफ्ट का ना वो सेकंड थोड़ा ना, अरे वो तो आप पकड़ लेंगे। इधर से या इधर से बोला है? इधर से बोला है। हाँ ओ भाई यहाँ तो ठंड है, तो हमें भेज है यहाँ कहाँ है लिफ्ट यार। मामा जी ने हमें शायद गलत तो गाइड नहीं कर दिया, देखो यहाँ से ऊपर चढ़ के कह रहे हैं शायद वो। हाँ नहीं हम अंदर से चलें क्या? हाँ अंदर से चलते हैं, अंदर से चलते हैं, बाहर से बारिश आ रही है। एक एक बज चुका है, मेहंदी लग चुकी है सबको। दिखाओ अपनी अपनी मेहंदी दिखाओ। क्या हुआ तेरी भी खराब हुई क्या? Yes, nice. ये भी खराब हुई, वो जल्दी से साफ कर ले अभी। कैसे? तू करते ही सूखी हुई हैं यार, ये भी करते खराब। ढंग से कर, नहीं वो कर दे हाथ से। यार इतनी बदतमीज है ना ये लड़की, मेरी सबसे अच्छी लगी थी। अच्छा अंदर आओ। कोई नहीं कोई नहीं, सबकी खराब हुई है। दे दे दे, कोई नहीं दे हाथ दे, बटन दबा दो पहले, मुझे हटो एक बारी, ये बंद तो हो जाएगी। हमने जाना कहाँ है? चौथे पे जाना है हमने, हमारा रूम चौथे पे है। रोना नहीं रोना नहीं रोना नहीं यार, फ्लावर तो बहुत अच्छा था बट अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी बोलो। खराब हुआ है ना इसका, ये पूरा साफ कर दे ताकि डिजाइन छप जाए और वो ऐसे फैला ना वो छपेगा नहीं। ओके वॉशरूम में जाके धो देती हूँ, आ जाओ। तो गाइस एक बच चुका है और सब अपने अपने रूम्स में जाके सेटल हो गए हैं सोने के लिए, और मैं भी रूम में आ गई हूँ। निकिता रुकी है जतिन के पास उसकी मेहंदी पूरी करवाने के लिए, बाकी हम लोग भी सारे आ गए अपनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करा के। और आंखें मेरी बहुत ज़्यादा लाल हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, और मैं तो अपनी मेहंदी धो चुकी हूँ क्योंकि इतनी देर रखनी मुश्किल हो जाती है। और ये वैसे भी कलर इसका हो गया है, थोड़ा सही सही हो गया है, तो बस अभी जो ये मेहंदी वाला फंक्शन है ये यहीं अभी थोड़ा सा ख़त्म होता है क्योंकि इसका पार्ट टू भी है फंक्शन का। एक्चुअली वो जब ग्रूम की साइड आएगी ना तो उनकी साइड वालों को भी मेहंदी लगेगी, पर वो कल होगा। तो अभी फिलहाल हमारी जो मेहंदी थी, हमारा जो मेहंदी का फंक्शन था वो भी हो चुका है। गाइस बस आज का अभी का ये ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, अभी जल्दी आपको देखने को मिलेगा लेडी संगीत एंगेजमेंट और एक और मेहंदी जो ग्रूम की साइड की होगी, और हल्दी और शादी और विदाई, बहुत कुछ देखने को मिलेगा अभी आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।